उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो चुकी है। इसमें तमाम दावेदार चेयरमैन से लेकर सभासद पद तक अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, जिसे जाने की कहां से आई हैं, कौन सा वार्ड है, प्रत्याशी किसको चुनना चाहते हैं। क्या नाम आपका? कहाँ से आए आप? वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 12। किस व्यक्ति को आप अपना वोट देना चाहेंगे? इस बार कमल का फूल खिलाऊंगा। कौन से प्रत्याशी आपके रहेंगे? लकी भाई। क्या अच्छाइयाँ लकी भाई में? लकी भाई में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। क्या कुछ अच्छाइयाँ बताइए, क्या उन्होंने कुछ समाज सेवा के लिए किया? समाज सेवा तो करते ही हैं, चाहे रात में आपको कोई काम पड़े, एनी टाइम ब्लड की जरूरत हो तो एक्सीडेंटल केस में किसी भी तरीके से, हर तरीके से हम लोगों के साथ में रहते हैं। हमें नहीं, ये पब्लिक आम सपोर्ट करती है, आम पब्लिक। आप चाहते हैं एक बार भारतीय जनता पार्टी से आशीर्वाद? हाँ, हम चाहते हैं हमारे वार्ड में अपनी भाजपा का कमल खिले। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं जिससे जानेंगे कि क्या नाम? सर, मेरा नाम गीता सिंह है, मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ, और जैसे पूरा मेरा समर्थन है लकी झा को है, और जैसे है ये किसी न पद पर रहते हुए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा भाव से काम करते हैं। और जैसे किसी लड़की है, किसी को आने जाने में या किसी थाना पुलिस मैटर में कोई भी दिक्कत होता है, तो ये अपने पास ही बैलेंस दे करके थोड़ा बहुत ये तभी काम अच्छा से करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है सर, कि जैसे सभासद का ये वोट क्या कहते हैं टिकट देने वाले हैं सर, और मैं चाहूँगी कि ये जो है लकी झा को ही मिले, क्योंकि हम लोग उनके समर्थन हैं। और हमारे साथ जी सर वासुदेव पांडे। कौन से वार्ड से आप आते हैं? 12 नंबर। किसको चाहते हैं इस बार टिकट मिले और क्या? सब चाह रहे हैं लकी झा इस समय आए, तो हम भी चाह रहे हैं। क्या अच्छाइयाँ लगे हमें लकी झा को टिकट मिले और भी पता है? अच्छाइयाँ बहुत सी हैं, बुराइयाँ देखते नहीं, वही अच्छाइयाँ हैं। सर्वसुलभ है, बिना पद के लोगों के लिए हाजिर है तो पद अधिकार रहेगा तो और सर्वसुलभ रहेगा। और हमारे साथ लोग हैं जैसे, क्या नाम होता है? कमलेश कुमार। कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। वार्ड नंबर क्या है? 12। इस बार किसको प्रत्याशी के रूप में आप देखा जाए? लकी झा भाई। लकी भाई में क्या अच्छाइयाँ आप देखिए? लकी में सबसे बड़ी खूबी एक है कि सोशल वर्क तो करते हैं, आम जनता की मदद भी करते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे किसी को कोई परेशानी हो, या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई प्रताड़ित किया जा रहा हो, या महिलाओं से संबंधित कोई समस्या, उसको देखते हैं कि जो एक सामाजिक कार्य है। सोशल वर्क इनका बहुत अच्छा है और ये हर क्षेत्र में अपना कार्य करते रहते हैं, कोई पद भी नहीं रहने के बावजूद काम करते हैं। और रह गई बात, सभासद एक ऐसा पद होता है, सभासद एक ऐसा पद होता है कि जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी एक सोशल वर्क है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नालों की सफाई न होने की वजह से नाले का पानी जो है वो भर होकर के इधर उधर गलियारे में इधर उधर पानी बहते रहता है। सड़कों की पोजीशन ठीक नहीं है, जबकि एक सरकारी योजनाएं या सरकार द्वारा जो कुछ भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सभासद की होती है। जब सभासद ऐसे कोई कार्य करने के लिए तैयार रहेगा एनी टाइम, जो आदमी सोशल वर्क पहले से कर रहा है, तो आने वाले समय में पूरा उम्मीद की जाती है कि जब क्षेत्रीय कोई कार्य और सरकार द्वारा तक कार्य सौंपा जाएगा तो कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ, चुना जाए इसलिए देखिए प्रॉब्लम बहुत सी रहती है ना, वार्ड की बहुत सी समस्या है, लाइट प्रॉब्लम है और सड़कों की प्रॉब्लम है, या सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं आती हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। जनता बहुत, मतलब ये समझ लीजिए जनता एक प्रकार का समझ लीजिए त्राहिमान रहती है एनी टाइम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम या तो पद के लिए अगर खड़े होते हैं, हमारे अंदर सोशल वाला क्वालिटी जो है पहले से जिसके अंदर विद्यमान है, तो 100% उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में अगर पद पाने के बाद सभासद का अगर हमारे भाई पद पा जाते हैं, हम हमारी वार्ड नंबर 12 का समझ लीजिए कि सारे चीज़ें बदल जाएंगी, यहाँ की रूपरेखा बदल जाएगी, यहाँ के कार्य बदल जाएंगी, यहाँ की जनता खुशहाल हो जाएगी। मैं इसीलिए ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इनके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभासद में हो, और हमारे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले लकी झा भाई ही सभासद। और भी लोग हैं जैसे, क्या नाम आपका? किस वार्ड से आते हैं? सुल्तानपुर से। आप वार्ड संख्या 12। किस पार्टी को आप इस बार वोट देना चाहेंगे? प्रत्याशी आपका कौन रहेगा? प्रत्याशी लकी भैया रहेंगे, भाजपा से रहेंगे, और इनका समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। आधी रात में फ़ोन कीजिए, गरीब महिलाओं को राशन कार्ड, विधवाओं को उनकी पेंशन, सामूहिक विवाह में भाजपा के द्वारा जो सामूहिक विवाह किया जाता है उसमें इस बार जो हुआ जिला पंचायत कार्यालय में इनकी संख्या
आठ से दस रही है, जो सिर्फ इनके क्षेत्र से ही रही है। लकी भैया बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि इन्हीं को टिकट मिले, यही जो है सभासद के प्रत्याशी हों, यही जीत भी जाएंगे। लकी भैया जैसा कोई व्यक्ति है नहीं, रात में 24 घंटे कोई सेवा नहीं करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो विधायक ही हमारे क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे सेवा नहीं है। लकी भैया को एक बार फोन कीजिए, तुरंत तैयार है। इसके पहले भी सभासद थे क्या? नहीं, इसके पहले भैया सभासद कोई पार्टी में नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं बस। वो ठीक है, चुनाव जीत गए, अपने घर पे बैठे, जो उनको सरकार देती है वो भी खा जाते हैं, जो जनता देती है वो भी। सर दिया जाए मेरे लकी भाई साहब को, और हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे भैया जीते भी। हम लोग की पूरी उम्मीद है कि हमारे लकी भैया अच्छा सा काम हम लोग के साथ करेंगे भी, जिसे पहले भी सब करते रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर।